गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ कॉर्नर। और मैं हूं आपकी दोस्त उमा। तो आज जो कि आपने पहले देख लिया होगा, जो मैंने पहले वीडियो पोस्ट किया है, वो है मेरी साड़ियों का पहला वीडियो। और आज मैं आपको दिखाने वाले जा रही हूं अपना दूसरा वीडियो। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज भी फिर से अपनी कुछ साड़ियाँ शेयर करती हूँ और कुछ ब्लाउज अगर होंगे अच्छे तो मैं ब्लाउज भी आपको दिखाती हूँ। बट उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, एज ए कॉमन मैं बोलती हूँ, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और हाँ सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हमारी फिर से साड़ियाँ देखते हैं। साड़ी साड़ी को मैं दिखाती हूँ आपको, ये पूरे ब्लू है। मैं थोड़ा सा और आगे करके दिखाती हूँ। इसमें आ नहीं रही है कलर, इसका थोड़ा लाइट ब्लू हो रहा है, बट ये एक नीबू ब्लू साड़ी है। इसमें इसके जो मैन अट्रैक्शन है वो इसका कटवर्क है, ये इसका लेस है और ये इसमें पूरी जो साड़ी है वो कट है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें जो बॉर्डर दिया हुआ है, ये साड़ी इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। और एज यूजुअल ये सारा गोल्डन वर्क है, पूरी साड़ी में ये ऐसा ही वर्क है। अगर मैं इसको खोलती भी हूँ तो भी ये ऐसे बस। तो ये है साड़ी। चलो अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी साड़ी। तो ये है मेरी दूसरी पिंक साड़ी, ये भी गोल्डन वर्क में है। दिखाती हूँ मैं अभी इसको ओपन करके। ये थोड़ा इसमें थ्रेड वर्क भी है और थोड़ा इसमें जरी वर्क है और थोड़ा इसमें लेस और थोड़ा वो वर्क है। इसमें देख सकते हैं छोटे से पंख बने हुए हैं सेम थ्रेड में। ये अभी साड़ी प्रिपेयर भी ही नहीं हुई है, अभी बस रखी हुई है। देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है इसमें। ये एक्चुअली जो सारी शॉपिंग है, ये जो पहले वीडियो की शॉपिंग है वो मोस्टली आगरा की है और ये दूसरी जो वीडियो है जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये है दिल्ली की शॉपिंग। दिल्ली में कहाँ है वो मैं अभी आपको बताती हूँ आगे, तब तक आप ये वाली साड़ी देखिए। साइड से अगर देखें ना, इसका मेन अट्रैक्शन अगर साड़ी का बोलें तो ये है इसका कट बॉर्डर। तो ये देख सकते हैं थ्रेड वर्क है ये, साथ में वाइट में इसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए हैं और ये है वर्क। तो ये है पूरी साड़ी। और इसका अगर फैब्रिक का बात करें तो फैब्रिक थोड़ा शाइनी है और लाइट है, बहुत नहीं है। पूरी साड़ी में सेम ऐसे वर्क हो रहा है, इसमें कोई पल्ला वल्ला नहीं है, बट ऐसी ही साड़ी है। तो नेक्स्ट साड़ी दिखाते हैं। ये एक्चुअली पल्ला ही है तो क्योंकि ये तो पूरी साड़ी ऐसी ही है, इसी वजह से बताया था। तो चलिए नेक्स्ट साड़ी की तरफ मूव करते हैं। साड़ी का मुझे ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है, सिंपल ब्लाउज है बट अच्छा है। ये मैं भी आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। इसमें जो ब्लाउज बनवाया है वो बनवाया गया है पूरी स्लीव्स का, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। तो ये है ऐसा, ये इसकी स्लीव्स है, पूरा शाइनिंग इसका फैब्रिक है, तो उस वजह से बहुत प्रीटी साड़ी लगती है। नाइट में अलग ही लुक आता है अगर आप इसे पहनते हो तो। ये आगे से बनाया हुआ है, बैक प्लेन है, थोड़ा सा डीप बनवाया है, बट ये जब पहनते हैं ना तो उसका लुक बहुत ज़बरदस्त बनता है। कोशिश करूँगी इसका कोई फ़ोटो इस वाली वीडियो में लगाने के लिए। तो ये था ब्लाउज, अब मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। जैसे आप ब्लाउज पिटी था वैसा ही ये साड़ी है, पिटी है। ये हाफ नेट साड़ी है, देख सकते हैं आप। मैं स्टोन का वर्क हो रखा है इसमें, छोटे छोटे स्पार्कल लगे हुए हैं और ये इसका वर्क है जो मैन है और ये टू लेसेस लगे हुए हैं, इस वजह से साड़ी बहुत प्यारी लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसका। ये है साड़ी।
लास्ट साड़ी। ये एक और मेरी लहंगा साड़ी है, वो मैं आपको दिखवाती हूँ। ये रहा, ये साड़ी है। ये इसमें थ्रेड का वर्क हो रहा है, ग्रीन येलो बहुत सारे कलर हैं इसमें, इस वजह से प्रिटी लगती है। ये इसका चुन्नी है, और ये पिंक इसका चुन्नी है, ग्रीन इसका वो है आई थिंक येलो, ये येलो है और ग्रीन, और आई थिंक इसमें कॉम्बिनेशन था ग्रीन इसका वर्क है, सॉरी पिंक चुन्नी है। तो ये था लहंगा। तो ये मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट के लिए। ये हमारी तीसरी साड़ी, इसका बैकग्राउंड कलर एक जैसा है तो इस वजह से थोड़ी आपको विजिबल नहीं होगी, ये आपको मे बी ब्लैक शो हो रही हो, बट ये जैस ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रीन है, मतलब कह सकते हैं ना मूंगिया कलर जो हिंदी में बोलते हैं वो कलर है। ये बहुत ही हैवी साड़ी है, यू कैन सी दिस द वर्क। ये ऐसे स्कर्ट जिसका है वो इस टाइप का है, और ये पूरा ये फिल हो रखा है, इसका वर्क आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग वाला वर्क है, स्टोन लगे हुए हैं छोटे छोटे। ये है इसका साड़ी। और ब्लाउज की मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्लाउज रेडी नहीं है अभी इसका, बट ब्लाउज ऐसा है, काफी फिल हुआ ब्लाउज है। ये इसका लेस और ये ब्लाउज है, और फैब्रिक की बात करें तो यू कैन सी दिस इज द फैब्रिक, बहुत ही लाइट फैब्रिक है, ट्रांसपेरेंट है, देख सकते हैं आप, ये देखिए उंगली दिख क्लियर दिख रही है। चलो तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट साड़ी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है ये हमारी ऑरेंज, और ये है हाफ अप साड़ी। अब मैं भी आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसका अगर हम लेस की बात करें तो सबसे अच्छी है इसकी लेस, ये देखिए मोती हो रहा है इसके साइड से, ये वर्क हो रहा है जरी का, सितारे कुंदन स्टोन सारा वर्क है मिक्स। और इसके साथ ही अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये इसका जो बॉर्डर का बैकग्राउंड है ये वेलवेट का है, रेड वेलवेट एंड ब्लू वेलवेट, और साथ ही इसमें नेट का भी काम है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका मिडिल पार्ट है, एकदम कंट्रास्ट है। ये है इसका फ्रॉक, ये नीचे आता है, ये देखिए, और ये एक और लेयर है इसका, ये ऊपर प्लेन। तो ये स्पार्कल है, तो ये रात में पहनने के लिए बेस्ट साड़ी है, रात में बहुत ही प्रिटी लगती है। एंड ये बॉर्डर है इसका, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी हैवी है तो साड़ी भी काफ़ी हैवी लगती है, थोड़ी सी पहनने में मुश्किल है, अदरवाइज बहुत अच्छी लगती है। तो जब हमें अच्छा लगना हो तो थोड़ी मुसीबत तो हम उठा ही सकते हैं। तो ये थी मेरी नेक्स्ट साड़ी, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब इसको फोल्ड करके साइड से रखते हैं। इसका कंट्रास्ट जो है ना ऑरेंज और क्रीम, ये सबसे औसम लगता है। इसको फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड हो गया, आगे हो गया साइड से। इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बेस्ट दो साड़ियाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये है मेरी येलो, मेरे कलेक्शन में येलो साड़ी बहुत कम है, एक कलेक्शन ये था वो येलो ब्लू था, और ये है थोड़ा रेशम से वर्क, ये भी येलो और थ्रेड वर्क भी इसके अंदर येलो येलो कंट्रास्ट में है। तो ये भी थोड़ी लाइट साड़ी है बट प्रिटी साड़ी है, आप छोटे मोटे फंक्शन में पहन सकते हो, अच्छी लगती है। वैसे अंदर अगर इसकी बात करें तो थोड़ा आपको वर्क इसका सिल्वर दिख रहा है, बट ये सिल्वर नहीं है, गोल्डन है। ये है इसका वर्क,
अब आप देख पा रहे हो ये पर लगे हुए हैं, ये गोल्डन वर्क है और ये थ्रेड वर्क है और ये पूरा कब आप फैब्रिक देख सकते हैं शाइनी शाइनी है, बट ये फैब्रिक आप देख सकते हो अच्छे से पकड़ सकते हैं, सॉफ्ट है तो इजी टू कैरी होगा ये। तो ये हो गई हमारी येलो वाली साड़ी, हम इसको फोल्ड करेंगे और आपको भी दूसरी साड़ी भी दिखाएंगे। तो ये था दिखाते आपको नेक्स्ट साड़ी, ये ऑरेंज है और इस साड़ी की जो अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा राजस्थानी लुक है पूरा, जिससे ब्राइडल साड़ी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें जो बने हुए हैं दूल्हा दुल्हन, इसमें वर्क बहुत अच्छा है। मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ, ये भी रेडी नहीं हुई है साड़ी, सिल्क में है ये साड़ी, देख सकते हैं आप इसका बॉर्डर, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये ऊंट बने हुए हैं, केला बना हुआ है छोटा सा, पत्तियाँ, चिड़िए और छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं ऐसे। और इस बॉर्डर की बात करें तो ये दुल्हन बैठी हुई है, ये डोली है और ये दो कहाँ रहे इसको ले जाते हुए, तो इस वजह साड़ी मुझे बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं पूरे में ही ऐसा पैटर्न दिया गया है, पूरी साड़ी छोटे छोटे बूटों से भरी हुई है तो बहुत ही प्यारी लगती है। कलर इसका एकदम डार्क ऑरेंज है तो बहुत ही प्यारी है। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट साड़ी, पूरे ऐसी ही साड़ी है, पल्ला में कुछ स्पेशल नहीं है बट ऐसा ही है बॉर्डर है तो कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट साड़ी बहुत प्यारी है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट साड़ी, इसको फोल्ड करके साइड से रखते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक सिल्क साड़ी जो कि टू कंट्रास्ट में है, थ्रेड वर्क में है, ये है वो साड़ी, ये रहा। तो ये है साड़ी, आप मुझे इस वीडियो में सजेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ साड़ियां हैं जिनके ब्लाउज भी रेडी नहीं हुए हैं, तो आप मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी साड़ी पे किस तरह का ब्लाउज ज़्यादा ठीक लगेगा, आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी, इस साड़ी का अट्रैक्शन है ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं इसके, और इस पे देखते थे छोटे छोटे झुमके टाइप के बने हैं बट ये पूरे झुमके भी नहीं है। और इस साड़ी का बॉर्डर आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट बॉर्डर है, ये थोड़ा जरी वर्क हो रहा है और इसमें छोटे छोटे मोर बने हुए हैं। ये है साड़ी, इसका सबसे अच्छा क्या लगता है ये कलर चेंज करती है साड़ी, जब भी आप इनके खड़े होते हो ना तो टू शेड है, आपको लाइट में डिफरेंट शेड दिखाई देता है और डार्क जब आप छाया में होते हो ना तब डिफरेंट शेड दिखाई देता है। और इसका कलर पीस कलर है और इसका जो बॉर्डर है वो कुछ इस टाइप का है, देखिए थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है इसका और बॉर्डर में साइड से हुक लगे हुए हैं, इस वजह से साड़ी सीधे पल्ले में बहुत अच्छी लगती है, सीधे पल्ले के लिए बेस्ट साड़ी है ये मेरी। दूसरे की थोड़ी ना है तो घर में ना आपकी मेरी पसंद है। ये इसका दूसरा पार्ट है, और ये है लास्ट में मेरी जो दो साड़ियाँ जो मैं दिखाने वाली थी। तो पहली है ये गोल्डन साड़ी जो मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसका लाइन भी गोल्डन है, थोड़ा डिफरेंट है, ये साइड से दिखाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ आपको साड़ी, साड़ी बहुत हैवी है और बहुत ही प्रिटी, ये देख सकते हैं इसका वर्क, बट ये देख पा रहे हो आप मे बी, मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके, ये पार्क देख सकते हैं आप। बट ये साड़ी जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है, इस साड़ी से स्क्रेचेस बहुत आते हैं पहनने में, इसका फैब्रिक भी थोड़ा अजीब सा फैब्रिक है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये देखो आप आपस में उलझती बहुत है ये। तो लस्ती बहुत है,
अब मैं साड़ी को ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ मुझे फोल्ड करने में फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी ही साड़ी है पूरी, ये वर्क हो रखा है चारों तरफ से, बीच में कोई नहीं है, छोटे छोटे जो बूटे हैं ये पुष्प बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो बस मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, थोड़ा सा और ओपन करती हूँ बस वन साइड, बट और ज़्यादा मैं ओपन करके मेरे लिए खुद के लिए आफत नहीं बढ़ाना चाहती। इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है, ये है कट, ये कट वर्क है ना इसके, तो बहुत अच्छे लगते हैं। सिल्क का वर्क हो रहा है, सिल्क टाइप का है बट मुझे नहीं पता है कि कौन सा फैब्रिक है, बट नाइट में ये बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो ये थी वो साड़ी, और लास्ट में जो है साड़ी वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले थोड़ा सा इसको साइड से रख दूँ, आप देख पा रहे होंगे खुशबू उनको फोल्ड कर रही है, तो खुशबू को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। फाइनल साड़ी जो मैं आपको दिखाने वाली थी, ये है सबसे प्रीटीस्ट साड़ी पूरे साड़ी कलेक्शन में, ये सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कॉस्टली साड़ी है। अगर आपको प्राइस जानना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कहाँ से परचेज किया है और क्या प्राइस है। तो थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं कितनी हैवी है। इसमें आप गोल्डन में थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा वर्क सिमिलर है बट बहुत सिमिलर नहीं है। मैं आपको इसका जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि इसमें जो वर्क है ना वो जर्किन वाले नेक का वर्क है, देख पा रहे हो आप, देखिए फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए ये पूरा नक से वर्क हो रहा है, इस वजह से बहुत हैवी है, देख पा रहे हो आप, ये पूरा नग लगा हुआ है, ज्वेलरी में नग नहीं आता वो उससे इसकी जड़ाई है। थोड़ा सा स्क्रेचेस आ जाते हैं आराम से, और बहुत सावधानी से बोल सकते हैं ना पहननी पड़ती है साड़ी। शाइनिंग आप देख सकते हो कि आप इवनिंग का टाइम है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ उसके बाद भी देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग दे रहे हैं। हल्का सा बीच में थोड़ा फैब थ्रेड का भी वर्क हो रखा है, और कलर टमाटो रेड, सारी लड़कियों का फेवरेट बोल सकते हैं ना, इस साड़ी को पहन के जस्ट लाइक ब्राइड लग सकते हैं। देखिए इसका मैं ब्लाउज भी आपको दिखाना चाहूँगी, बट ब्लाउज बहुत अच्छा नहीं बना है इसका, बट फिर भी अच्छा है। ये है इसका ब्लाउज, पूरा बॉर्डर हैवी हो भी हो रहा, कुछ जल्दी में ये ब्लाउज रेडी करा गया था दैट्स व्हाई ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है, बट आई होप फ्यूचर में मैं इसको मॉडिफाई करवा के एक डिफरेंट और अच्छा सा लुक क्रिएट करूँ। तो आप उसके लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हो वीडियो में, क्योंकि अभी बस मेरे पास ये लेस है इसको मॉडिफाई करने के लिए, और स्लीव्स पे ये है, दैट्स इट। अब मुझे इसमें से ही मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, उसमें से ही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी सारी साड़ियाँ जो मैंने आपको बताई, आप मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लगी और प्राइस, और बता सकती हूँ मैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से परचेज किया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। कमेंट में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ कॉर्नर, और मैं हूँ आपकी दोस्त हुमा। तो आज मैं फिर से आपको वेलकम करती हूँ एक नए वीडियो में। तो जो आज का वीडियो है वो है एक ज्वेलरी का रिव्यू वीडियो। एक्चुअली अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और मैं अभी भी ससुराल में हूँ, तो अभी मेरे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं है अनबॉक्सिंग करने के लिए, बट मेरे पास एक मेरी पुरानी ज्वेलरी है जो कि मैं आज आपको उसका रिव्यू करके बताऊँगी। तो वो ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं।